पूरा एक सर्विसमैन तेलंगाना स्टेट एक सर्विसमैन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एक सर्विसमैन बांग्लादेश वॉर मेटेरियल्स ये सभी मिलके आज गांधी भवन में ये दिवस को हम मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद ये पहले बार ये लिबरेशन डे भी हम मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक तो तेलंगाना स्टेट टीआरएस से लिबरेशन मिला और बांग्लादेश 52 इंडिपेंडेंस लिबरेशन डे भी हम मनाने के मौका जो मिला इसके लिए हम पूरा एक्सेसमेंट जितना भी है उनको धन्यवाद देते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसी जितने भी एक्सेसमेंट्स है वो पूरा हमारा राष्ट्र और देश को दोनों को बचाने के लिए और क्या क्या प्रॉब्लम एक्सेसमेंट फेस कर रहे हैं हमारा राष्ट्र में ये देश में उसको पूरा हम धीरे धीरे दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। ये जितना भी हम प्रॉब्लम है सीएम के साथ में नया इलेक्ट हुआ हमारा सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ में सामने लेके जाएंगे। साथ ही में हमारा ऑल इंडिया एक्सेसमेंट चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी साहब के पास किए ये पूरा जितना प्रॉब्लम लेके जाएंगे वहाँ भी हम बताते जितने भी हमारा प्रॉब्लम एक्सेसमेंट है या फैमिली हो या बच्चे हो जितना भी है प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम रोहित साहब के पास लेके जाएंगे। जय हरे माता की जय हरे माता की जय। शेखर जनरल सेक्रेटरी कंबाइंड डिफेंस एक्सेसमेंट फॉर फ्रस्ट्रेशन ऑफ तेलंगाना थैंकिंग अवर कर्नल रोहित चौधरी नेशनल चेयरमैन ऑफ एक्सेसमेंट डिपार्टमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी फॉर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री and I am thanking also our honorable chief minister A. Revanth Reddy garu for uniting all the exhibitions from Telangana along with our district chairman Lakshmi Narayana garu Menjumuri Prasad garu and all the district chairman along with our chairman exhibition department TPC Sri P. Rajendra ji. Sir, this is the first time in our history that Congress party has chosen ex-servicemen department and has identified there are ex-servicemen people are available in Telangana. No government has taken any care of ex-servicemen as more than 3.5 lakhs ex-servicemen available in Telangana. There are plenty of associations available without having any contact with any of political party. However, Congress party has chosen ex-servicemen and accorded one office also in Gandhi Bhavan so that all the ex-servicemen should come under the one purview and express their problems, because ex-servicemen we are having land problem and so many problems which is covered under the Director General Resettlement. I request Colonel Rohit Chaudhary Saab and Chairman P. Rajendran Ji may kindly take care of this ex-servicemen problem across Telangana. Thank you very much. जय हिंद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान।